Hello. Just. गाइज वॉइस क्लियर है थोड़ा कुछ इशू है एक बार बताइए आप गाइज वॉइस क्लियर है थोड़ा कुछ इशू है एक बार बताइए आप ओके फाइन ओके नाउ आई एम ऑडिबल ना ओके फाइन सो गाइस टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मेजर इंपॉर्टेंट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया हम बात करने वाले हैं इंडिया की जो हमारी मेजर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है उसके बारे में हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे क्या क्या फैक्टर्स है ये सारे फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे कि, कि किसी भी एरिया पर अगर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है हम क्यों लगाते हैं हम बात करें झारखंड की हम बात करें उड़ीसा की यहीं पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज क्यों हैं आपका क्वेश्चन बनेगा कि सर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां पर रॉ मेटेरियल बट वहां पर आपको मार्केट भी तो अवेलेबल नहीं है तो मार्केट के लिए आपका ट्रांसपोर्ट तो में ले जाके अपनी लगा पर आपकी जब हम झारखंड और उड़ीसा में आपका आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस करते हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट में भी तो जाएगी उसको आप सेल करोगे तभी तो कंपनी को अर्निंग होगी और झारखंड और उड़ीसा वाला पार्ट एस सच एक मार्केट तो है नहीं तो हम वहाँ पर भी तो आपका प्रोड्यूस कर सकते हैं डायरेक्टली मार्केट में जो ट्रांसपोर्ट है वो इधर से कर सकते हैं इसके पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है वेट लूज इंडस्ट्री जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है आपकी वेट लूज इंडस्ट्री है क्लियर है अब भी वॉइस नहीं आ रही आपको गाइस अब भी ऑडिबल नहीं हूं मैं इज गोइंग जस्ट गिव मी वन मोर मिनट आई थिंक मेरी वॉइस तो आ रही है गाइज आ रही है ना फाइन ना ओके okay.

वहीं पर अगर मैं बात करूं गाइज़ अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के एडवांटेजेस के बारे में क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगी तो गाइज़ यहां पर आपको अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन में डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी ओके okay, यहां पर आपको स्ट्रक्चर कोर्स मिलेगा लाइव टेस्ट क्यूज मिलेगी और आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा वहीं पर हम बात करें गाइज आपको मोर देन हंड्रेड प्लस टॉप एजुकेटर्स अवेलेबल होंगे जो अपना एक्सपीरियंस अपना एक्सपर्टीज आपके साथ शेयर करेंगे वहीं पर हम बात करें अन एकेडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के फी के बारे में तो वहीं पर जो अन एकेडमी सब्सक्रिप्शन है उसके फी स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो गाइज अनअकेडमी का आपका जो वन ईयर का फी है वो फोर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड है एंड वेन यूज द कोड कैपिटल ए

आपको डेली मेन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलेगी जस्ट गिव मी वन मिनट आपको पर्सनल कोच मिलेगा डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलेगी प्रॉपर स्टडी प्लानर मिलेगा और पर्सनलाइज फीडबैक मिलेगी वहीं पर अगर हम बात करें जस्ट गिव मी वन मिनट मैं इसको दूसरी स्लाइड में रन करता हूँ गए जस्ट गिव मी वन मिनट एक मिनट वेट कीजिए हम इसे प्रॉपर्ली रन करते हैं चीजों को जस्ट गिव मी वन मोर मिनट ओके जस्ट गिव मी वन मोर मिनट एक मिनट रुक जाइए हम चीजों को अच्छे से करते हैं एक मिनट वेट कीजिए हम चीजों को दोबारा स्टार्ट करते हैं ओके ओके फाइन मैं चीजों को थोड़ा बेटर में चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं तो हम अच्छे से सॉफ्टवेयर पे यूज करेंगे क्योंकि उसपे अच्छे से आपको चीजें विजुलाइज नहीं हो पाएंगी जस्ट गिव मी वन मिनट और प्रिपरेशन कैसी चल रही है आप लोगों की बेसिकली एवरीथिंग इज फाइन या पारी हो रही है आप लोगों की भी अभी ओके फाइन जस्ट वन मोर ओके फाइन ओके okay. तो गाइज अगर वहीं पर हम बात कर रहे थे थेडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में दीज द एडवांटेजेस जो आपको अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन पे मिलेंगी सिंपल आपको ए एम टेन कोड यूज करना है एंड यू विल गेट एक्स्ट्रा टेन परसेंट डिस्काउंट आपको सिंपल ए एम टेन कोड यूज करना है और आपको एक्स्ट्रा टेन परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा सारे कोर्सेज में वहीं पर मैं बात करूं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में दीज आर द एक्स्ट्रा एडवांटेजेस वन ईयर सब्सक्रिप्शन फी आफ्टर यूजिंग द कोड एम टेन आपकाउजेंड फाइव हंड्रेड टू ईयर एंड थ्री ईयर जस्ट ए एम टेन कोड यूज कीजिए एक्स्ट्रा एडवांटेजेस मिल जाएगा गाइज फोर्टीन उसके बाद अगर मैं बात करूं ट्वेंटी एट फैब को आपका अन अकेडमी कॉम्बैट है आपको सिंपली ए एम टेन कोड यूज करना है यू विल गेट एक्स्ट्रा टेन परसेंट डिस्काउंट अन एकेडमी कॉम्बैट पर और वहीं पर आपकी ट्वेंटी और ट्वेंटी फर्स्ट को समिट है वहां पर आप अपने आप को एम टेन कोड करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं बहुत ही यूजफुल रहेगी आपके लिए अन्य समिट भी और अगर आप फर्स्ट से थर्ड रैंक आएंगे आपको यहां पर अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन मिलेगा फोर से टेन परसेंट पर सेवेंटी फाइव परसेंट इलेवन से फिफ्टी परसेंट आपका और फाइव से फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फाइव परसेंट आपको ऑफ मिलेगा और एट्टीन ऑफ फेब से आपके न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं इंग्लिश मीडियम बाइलैंग हिंदी मीडियम में जस्ट आपको सिंपली ए एम टेन कोड यूज़ कर कर टेन परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा वहीं पर अगर मैं बात करूँ ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर ये सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको अवेलेबल हैं वन ईयर टू ईयर की आपकी फ़ीस है सिंपली आपको ए एम टेन कोड यूज़ करना है वहाँ पर भी आपको टेन परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा अब हम बात करते हैं हमारी स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में ओके क्या हुआ पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ आप को आप क्या -क्या मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि आप यूपीएससी क्या क्या क्वेश्चन आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमेशा याद रहने चाहिए अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है आपका स्टील का तो आपका आंसर होना चाहिए चाइना चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में चाइना चाइना है और वहीं पर अगर मैं बात करूं आपका सेकेंड लार्जेस्ट इंडिया है अब क्वेश्चन बनता है सर कितनी कितनी रॉ मेटेरियल कितनी स्टील आपका चाइना तो आपका क्वेश्चन होगा 996 मिलियन टन आपकी स्टील को प्रोड्यूस करता है चाइना कितना 996 मिलियन टन आपकी स्टील को और वहीं पर अगर मैं बात करूं इंडिया ट्रिपल वन मिलियन टन दैट मींस ऑलमोस्ट नाइन टाइम्स आपका जो चाइना है वो स्टील को आपका इंडिया से ज्यादा प्रोड्यूस करता है ठीक है तो क्वेश्चन बन सकता है चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील ओके सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील आपका इंडिया है जो 101 मिलियन 111 मिलियन टन स्टील को प्रोड्यूस करता है चाइना 996 मिलियन स्टील को प्रोड्यूस करता है अब ये तो पॉइंट हो गए आपके स्टील के बारे में अब क्वेश्चन बनता है कि जो हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ है टिस्को हो गया राउरकेला हो गया बिलाई हो गया उसके बाद विश्वेरिया हो गया उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसको हो गया ये किन एरियाज़ पे होती हैं तो सबसे पहले आपको बात करना है कि फैक्टर्स क्या क्या होते हैं हमारे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के लिए तो सबसे पहला है आपका कैपिटल सबसे पहला फैक्टर है कैपिटल कि आपके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा मांगता है जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होती है सेकंड है आपका रॉ मेटीरियल सेकंड है आपका रॉ मेटीरियल कि आप हमेशा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज वहां पर लगाओगे जहां पर रॉ मेटेरियल आपका ज्यादा होगा ठीक है क्या होगा रॉ मेटेरियल ज्यादा होगा ठीक है सॉरी मैट्रिक टन मिलियन टन नहीं वो मैट्रिक टन है सॉरी ठीक है अगर मैं बात करूं उसके बाद तीसरा पॉइंट तीसरा रॉ मेटेरियल कैपिटल तीसरा पॉइंट आपकी वहां पर लेबर होनी चाहिए आपको ईजली लेबर प्रोवाइड क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव है जो आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है लेबर इंटेंसिव है और आपको यहां पर लेबर इजली अवेलेबल होनी चाहिए अब क्वेश्चन बनता है कि सर लेबल ये चीजें हमने सब पढ़ी हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को पढ़ेंगे बट जो हमारे सामने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया अब एक चीज बताइए ठीक है हमारे पास डेली है और हमारे पास यहां पर है आपका झारखंड यहां पर है झारखंड तो सर एक चीज बताइए यहां पर दिल्ली में तो है मार्केट ओके और यहां पर है रॉ मेटीरियल तो सर ऐसा क्यों नहीं जब हमारे पास यहां पर रॉ मटेरियल है इस रॉ मटेरियल से हमें आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस करनी है तो हमें सेल करने के लिए मार्केट में तो लेके जाना पड़ेगा तो ऐसा क्यों ना हो हम पहले ही मार्केट में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को सेटअप कर ले मतलब यहाँ पर और रॉ मेटेरियल को यहाँ से झारखंड से लेके यहाँ पर आ जाए और अपनी प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दे यहाँ पर प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दे ऐसा क्यों नहीं हुआ ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ये वेट लूज इंडस्ट्री है व्हाट इट मींस बाय वेट लूज इंडस्ट्रीज मतलब क्या अगर आपके पास यहां पर है वन फिफ्टी का कोल ठीक है और यहाँ पर 100 के जी आपके पास आयरन ओर है 100 के जी का आयरन ओर है अब आप यहाँ पर इसे मशीन या स्मेल्टिंग सारे प्रोसेस करने के बाद जो आउटकम आएगा वो आपका 30 के जी स्टील आएगा वो 30 के जी स्टील आएगा अब मुझे आप एक पॉइंट समझने की कोशिश करना जो मैंने यहाँ पर कोल है मेरे पास कोल कितना है ये वाला अब मेरे पास ये टोटल ट्रंक कितनी हो गई 250 फिफ्टी के जी अब मैंने इस 250 फिफ्टी के जी से 30 के जी स्टील बनाई अब क्या होगा मैं इस 30 के जी को ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकूंगा इसकी मार्केट पर अगर मैं इसे कहां पे बना देता यहां पर ये डेली है और मैं डेली में ही इसकी मार्केट लगा देता तो डेली में मार्केट करने के लिए पहले तो मुझे 150 आपका 100 ओर के जी आयरन ओड लेके आना पड़ता उसका ट्रांसपोर्ट चार्ज एक्स्ट्रा होता उसके बाद मुझे कोल लेके आना पड़ता तो क्या होता ये वेट लूज इंडस्ट्रीज है पहले वन फिफ्टी से लेके हंड्रेड के 100 kg, जो ये वेट है वो आपका वेट फाइनल में थर्टी के का आउटपुट आया आउटपुट कितना आया फाइनल में सिर्फ थर्टी के का जब आउटपुट फाइनल में 30 केजी का आया दैट्स द मेन रीजन कि हमने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हमेशा वहां पर प्रोवाइड की जहां पर हमारा रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होगा जहां पर हमें रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल मिल जाएगा पहला पॉइंट दूसरा क्या है सर आपके जो ज्योग्राफर जो है कौन आपके एक आयरन एक्सपर्ट है उनका नाम था वेबर वेबर ने एक थ्योरी दी वेबर ने थ्योरी दी एक ट्रायंगल थ्योरी दी उन्होंने वेबर ने एक ट्राइंगल थ्योरी दी क्या वेबर की ट्राइंगल थ्योरी थी कोई भी स्टूडेंट इस पॉइंट को बताएगा कि वेबर ने एक ट्राइंगल थ्योरी दी वो क्या कहती है ट्राइंगल थ्योरी कोई भी स्टूडेंट इस बारे में बताए कि ट्राइंगल थ्योरी क्या कहती है ट्राइंगल थ्योरी कहती है कि हमारे पास अगर ये मार्केट है एम उसके बाद अगर यहां पर ये है आपका एक आर और एक आर टू दैट मीन्स यहाँ पर रॉ मेटेरियल वन है यहाँ पर रॉ मेटेरियल टू है तो हमें किस तरीके से चीजें करनी होगी तो आपका उन्होंने बनाया कि हमें हमेशा क्या करना होगा हमें एट द सेंटर में अपनी इंडस्ट्रीज को लगाना होगा वेबर ने कहा कि हमेशा हमें इस ट्राइंगल को फॉलो करते हुए अगर हमारी मार्केट यहां पर है रॉ मेटेरियल आयरन और यहां पर अवेलेबल है और आपका यहां पर कोल अवेलेबल है तो हमें अपनी मार्केट यहां पर लगानी होगी क्यों क्योंकि अगर हम यहां से रॉ मेटेरियल यहां पर ले गए कौन सा अगर आपका आयरन और यहां से हम कोल ले गए और उसके बाद मार्केट में सप्लाई कर दिया तो तीनों चीजों के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा तीनों चीजों के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा यह वेबर ने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज किया या कोई भी आपकी इंडस्ट्री है उसके लिए ये बताएं कि ये बेस्ट है कोई भी इंडस्ट्री आपको सेटअप करनी है तो ये बेसिकली हो गया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में अब एक एक करके हम पढ़ेंगे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है कहां पर है कैसे है सबसे पहले हम बात करते हैं टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जिसका नाम है टिस्को जिसका नाम है टिस्को तो दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आयरन स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया इंडिया के अंदर सबसे पुरानी आयरन स्टील इंडस्ट्री है और ये पहले प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज हुआ करती थी दैट मीनस कब बनी सर ये बनी थी आपकी 1907 में 1907 में आपकी पहली ओल्डेस्ट आपकी आयरन स्टील इंडस्ट्री बनी कौन टो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो किसने लगाई थी बाय जमशेद जी इन्हीं के नाम पर तो जमशेदपुर पड़ा क्योंकि वहां पर टाटा स्टील है तो इसी के कारण जमशेद जी ने नाइनटीन में साक्षी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड एक सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में वहां पर आपकी ओल्डेस्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगाई जो करंटली थ्री मिलियन टन सेलेबल स्टील को प्रोड्यूस करता है कितनी थ्री मिलियन टन सेलेबल आयरन स्टील को प्रोड्यूस करता है बेसिकली ये पॉइंट आ गया अब क्वेश्चन कहाँ पर है ये पड़ती है आपकी जमशेदपुर के पास सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो इस वाले एरिया में अब क्वेश्चन बनता है क्या फैक्टर्स आए क्वेश्चन बनेगा बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए कि सर कौन कौन से फैक्टर है कि हमारी जो आयरन स्टील इंडस्ट्री है वो इसी एरिया में लगी सबसे पहला है कि यहाँ पर हाई ग्रेड हेमीटाइट ओर जो हाई ग्रेड हेमीटाइट ओर है वो अवेलेबल होती है कहाँ से नुआ मुंडी माइन से जो मुंडी है अगर मैं आपको देखे ये देखे ये रहा बेसिकली आपका टाटा स्टील इंडस्ट्रीज ओके टिस्को और टिस्को की जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर आपका सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है जो झारखंड में यहां से आपको क्या अवेलेबल हो रही है एक तो आपको हेमेटाइट और देखिए क्या होता है आपकी जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है ना उसके लिए तीन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है एक तो आपकी आयरन और की अगर आप किसी को भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लगा रहे हो तो सबसे पहले तीन चीजों की जरूरत होगी पहला है आयरन की कोशिश करना। दूसरा आपका आयरन और रिक्वायरमेंट होगी यहां पर कोल की और तीसरा आपको रिक्वायरमेंट होगी यहां पर लाइम की सर तीनों का वर क्या है देखिए आयरन और क्या होता है इससे हम आपका कन्वर्ट करते हैं किससे जो कोल होगा ना ये कोल जो इसकी इंप्योरिटी होगी उसको रिडक्शन करने के लिए वर्क करेगा ओके और उसके बाद जो लाइमस्टोन है वो इसकी इंप्योरिटी को फ्लक्स करने के लिए यूज होगा तो आयरन और कोल और लाइमस्टोन हम फोर रेशो टू रेशो वन में मिक्स कर कर आपकी स्टील इंडस्ट्रीज को प्रोड्यूस करते हैं ठीक है तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया अगर मैं बात करूं उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आपका टिस्को है वो टिस्को आपका सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में ही क्यों मिली क्योंकि वहाँ पर नाव मुंडी है। नाव मुंडी होने के कारण जो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है, वहां से उसे क्या मिल रहा है हेमेटाइट और मिल रहा है। पहला पॉइंट उसके बाद गुरु माही सनी माइन्स है जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में वहां पर उड़ीसा में वहां से इसे मिल रही है आपको आयरन और ठीक है उसके बाद वहीं पर अगर मैं बात करूं ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लिए जो आपकी आयरन और की से, ये 75 से लेके 100 किलोमीटर दूर है जिसके कारण आपको यहां से आयरन और मिल रहा है तो क्वेश्चन बन सकता है कि टिस्को को जो आयरन और है वो कौन सी माइन से मिल रहा है तो आपका आंसर होगा सर जो नाव मुंडी है यहां से तो मिल रहा है आयरन और नाव मुंडी से तो मिल रहा है आयरन और, और वहीं पर अगर मैं बात करूं गुरु महा महा गुरु माही सानी जो माइंस है यहां से मिल रहा है मयूरभंज की उड़ीसा से आपको आयरन और तो दो माइन है एक तो नाव माइन्स कहां पर है झारखंड में है याद रखना और जो गुरु माइन्स है, है? आयरन और आपका जो झरिया और रानीगंज माइन है वहां से मिल रहा है और वो दो किलोमीटर दूर है मैंने क्या बताया आपको एक चीज बताइए यहाँ पर एक मैंने ट्राइंगल बताया था किसका जो वैबरनेट ट्राइंगल दिया था वैबरनेट

है, वो आपकी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट और आपकी मयूरबंज डिस्ट्रिक्ट में जो नावमुंडी माइन्स है इन वाले एरिया से आपकी आती है ठीक है ओके हाँ बिल्कुल जो जोधा माइन्स है वो आपकी कहां पर है ये बेसिकली उड़ीसा की किससे नहीं नहीं ये आपकी बेसिकली कहां पर है ये वाली आपकी नाउमुंडी माइन्स है ये आपकी कहां पर है ये तो झारखंड में है और गुरु गुरु महासानी जो माइन्स है ये मयूरभंज में है ठीक है वहीं पर अगर मैं बात करूं जो मैग्नीज़ है देखिए जो मैग्नीज़ है मैग्नीज़ का वर्क आप बताइए कौन स्टूडेंट बताएगा कि मैग्नीज़ का क्या वर्क होता है फटाफट फड़ जल्दी से बताइए जो मैग्नीज है उसका वर्क क्या होता है देखिए यहां पर जो मैग्नीज है ना वो जोधा माइन से आती है कहां से जोधा माइन से जो मैग्नीज है वो कहां से आती है जोधा माइन से और जोधा माइन्स कहां पर है उड़ीसा में उड़ीसा में है आपकी जोधा माइंस और यहां से क्या आ रही है मैग्नीज आ रही है अब मैग्नीज जोधा माइन से आ रही है तो मैग्नीज का वर्क क्या होगा जो स्टील होती है ना उस स्टील को हार्डन करने के काम आती है जो स्टील होती है ना स्टील को हार्डन करने के लिए समझ में आ गए? जो स्टील होती है स्टील को हार्डन करने के लिए माइंस का आप यूज करते हो किसका जोधा माइंस से मैग्नीज़ आती है कहां से उड़ीसा से मैग्नीज़ किसके लिए टिस्को के लिए वहीं पर डोलामाइट लाइमस्टोन, फायर फायर लिए और जो फ्लक्स मेटीरियल है वो आपकी सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा अब क्वेश्चन क्या बनेगा यूपीएससी के ठीक है ओके जोधा माइंस ही मैंने बोला ठीक है नॉर्ट जोधा माइंस कहां पर है बेसिकली जो जोधा माइंस है ये आपकी कहां पर पड़ेगी उड़ीसा में है ठीक है उस बेसिकली आपकी क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है आप यहां पर देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको बताना है कि जो हमारा कोल है जो टिस्को के लिए कोल है वो कहां से आ रहा है फटाफट जल्दी से बताइए टिस्को के लिए कोल कहां से आ रहा है सबसे पहले ये बताइए उसके बाद बताइए आयरन और कहां से आ रहा है और उसके बाद बताइए मैगनीस कहां से आ रहा है ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर सर हम बात करें कोल कहां से आ रहा है ये सारी चीज एक तो हमने रानीगंज माइन्स के बारे में बात की ठीक है उसके बाद हमने बात की आपकी टिस्को के बाद ये वाले जो पॉइंट है आपके की नावमुंडी माइन्स है ये कहां पर है आपका झारखंड में इससे क्या आ रहा है आयरन और जो हेमेटाइट है ठीक है ओके उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर गुरु माहिसानी जो माइंस है भंज की यहां से आ रहा है उड़ीसा से आपका दोनों एरिया से और।, और इन दोनों एरिया से आपका कोल आ रहा है और मैग्नीस आ रहा है जोधा माइंस जो, जो उड़ीसा में तो आपको माइंस भी हो रहे हैं अब आपको क्या हो रहा है अब आपकी माइंस भी कवर हो रही है और टिस्को में क्या क्या चीज कहां से आ रही है ठीक है अब इंपॉर्टेंट है कि सर हमने देखा कि हमें सब चीज की जरूरत होनी चाहिए अब हमने कोई चीज प्रोड्यूस की तो उसे मार्केट में भी तो लेना चाहिए और उस मार्केट के लिए जो कोलकाता है यहां जो कोलकाता है वो आपका टू किलोमीटर दूर है कलकत्ता कितनी दूर है दो किलोमीटर और ये कलकत्ता पोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है इस पोर्ट फैसिलिटी के कारण ही आपका यहां पर इसे मार्केट में पहुंचाया जाता है जो आपके टिस्को से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो प्रोड्यूस होती है और जो आपका सफिशिएंट वाटर है किसको कूलिंग के लिए वो आपका कहां से वो आपका सर बेसिकली कहां से आता है खारखई रिवर है यहां से आपको वाटर प्रोवाइड होता है जो खारखई रिवर है ये क्या करती है ये वाटर प्रोवाइड करती है कहां पर खारखई रिवर ठीक है यहां पर ये देखिए रही झरिया माइंस देखिए यहां पर ये रही झरिया माइंस ओके क्लियर है उसके बाद बेसिकली यहां पर है 250 किलोमीटर दूर क्या है आपका कलकत्ता कलकत्ता क्या कर रहा है पोर्ट सिटी प्रोवाइड कर रहा है कलकत्ता क्या कर रहा है पोर्ट सिटी प्रोवाइड कर रहा है वहीं पर अगर मैं बात करूं आपका ये देखिए यहां पर ये रिवर्स है आपकी यहां पर ये कूलिंग के लिए इनको इफेक्ट और ये रही रिवर खारखई और ये रिवर खार खई क्या है? करती है वाटर प्रोवाइड करती है फॉर कूलिंग पर्पज के लिए तो यहां पर जो टेस्को है ये आपका ये वाले एरिया यहां पर जो कोल है आयरन है इन एरिया से प्रोवाइड होते हैं ठीक है ओके ओके ठीक है तो इन चीजों को मैं आपके लिए स्क्रीन के लिए दोबारा आपके लिए अच्छे से चीजें मैंशन कर देता हूँ फटाफट आप एक बार देख लीजिए स्क्रीन ले सकते हैं देखिए हम बात करें क्या क्या हमने बात की देखो सिंपल सा पॉइंट है आपको कुछ ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बस हमने बात की कि सर सबसे पहले जो हमारी ओल्डेस्ट है आयरन स्टील इंडस्ट्री 1907 में बनी, दूसरा तीन मिलियन टन प्रोड्यूस करती है तीसरा पॉइंट है सर आपका और कहाँ से मिलती है सर दो माइन से मिलती है एक तो नावमुंडी माइन से जो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड में है पहला उसके बाद गुरु माहिसानी माइन से जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा तो उड़ीसा से और झारखंड से तो आयरन और मिल रहा है किसको टिस्को को वहीं पर जो कोल अवेलेबल है वो झरिया माइंस और रानीगंज माइंस से है जमशेदपुर से जो 200 किलोमीटर के अप्रोक्स है वहीं पर जो मैग्नीज है ये स्टील को हार्ड करता है और जब मैग्नीज स्टील को हार्ड करता है वो जोधा माइन से मिलता है डोला माइट स्टेन फ्लक्स मेटीरियल ये आपका सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा से मिलता है कलकत्ता एक पोर्ट सिटी है जो यहाँ पर इसको सप्लाई करने के लिए यूज होता है और सफिशियंट वाटर फॉर कूलिंग पर्पज कहाँ से जो आपकी खारखाई रिवर है कौन सी खार रिवर है यहां से आपको मिलता है ये पूरा परफेक्ट आपका चीजें है ठीक है अब हम बात करते हैं दूसरी इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी कौन इसको इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इसको के बारे में अब एक एक करके इसको के बारे में सुन लीजिए देखो इसको कैसे सेटअप हुई पहले इसको नहीं थी पहले तीन थी बेसिकली आपकी कौन कौन सी आपके तीन प्लांट थे तो कुल्टी में था एक हीरापुर में था और एक बर्नपुर वेस्ट बंगाल में था अगर मैं आपको सुनाऊं बर्नपुर हीरापुर और कुल्टी ये आपके तीन प्लांट हैं अलग अलग 20-20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर तो हमने क्या किया इन तीनों प्लांट्स को मिलाकर एक सिंगल प्लांट बना दिया जिसका नाम रखा हमने इसको जिसका नाम क्या रखा इसको कौन सा हीरापुर कुल्टी और बर्नपुर क्लियर है तो आपको यहाँ पर पता होगा ये वेस्ट बंगाल में जो सबसे पहले कुल्ती 1864 में सेटअप हुआ हीरापुर 1908 में और आपका जो बर्नपुर वाला है वो 1937 में और उसके बाद इन तीनों को मर्ज करके क्या बना दिया गया इसको बना दिया गया एंड इट वाज ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट कब गवर्नमेंट पहले क्या थी प्राइवेट देखिए पहले क्या था प्राइवेट हुआ करती थी ये कोई भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे उन्होंने इंडस्ट्रीज बनानी स्टार्ट कर दी उसके बाद धीरे धीरे करके गवर्नमेंट इन पे कंट्रोल करती चली गई तो इसी तरीके से 1972 जुलाई में गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर आ गया और कहीं ना कहीं यहां पर जो कलकत्ता असनसोल रेलवे लाइन है वो आपका कहीं ना कहीं ये कनेक्ट करती है दोनों और जो हीरापुर है वो आपका पिग आयरन प्रोड्यूस करता है कुल्टी cool है वो मेकिंग किसके स्टील के और जो बर्नपुर है वो आपकी रोलिंग मिल्स है देखिए क्या होता है बेसिकली अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पर मैंने आपको बताया कि रॉ मेटेरियल अलग कुछ और प्रोड्यूस हो रहा है स्टील कहीं पर रोलिंग का काम कहीं पर हो रहा है और आपका किसी पर कुछ और काम हो रहा है तो तीनों पर अलग अलग वर्क हो रहा है और फाइनल प्रोडक्ट बन के जो आपकी असनसोल कलकत्ता रेलवे लाइन है ये एक नेटवर्क प्रोवाइड करवाती है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क किसके लिए इसको के लिए इसको इसको क्या है सर इसको है आपकी इंडियन आयरन स्टील कंपनी इंडियन आयरन स्टील कंपनी ओके अब क्या क्या है जो आपकी आयरन ओर है वो है गुना माइंस आपकी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है वहां से इसे मिलती है आयरन ओर कहां से गुना माइन से ठीक है जो यहां से 285 किलोमीटर दूर है और वहीं पर कुछ आयरन ओर मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से मिल जाती है उड़ीसा से ओके okay, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कोल कहां से झरिया माइन से जो झरिया माइन से आपकी वहां से इसे कोल मिलती है बेसिकली यहां पर यह रहा झरिया कोल्ड फील्ड और यहां पर यह मिलती है इसको को 对吧？ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरा जो पावर सप्लाई वाटर के लिए आपका जो दामोदर रिवर है आपको पता है दामोदर वैली आपका दामोदर रिवर है आपका ये वैली कॉपरेशन है इससे क्या हो रहा है दामोदर रिवर वैली कॉपरेशन से आपको पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो वहां पर इसके लिए यूज हो रही है डोला और लाइम स्टोन कहां से यूज हो रहे हैं सर सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहां से आपका लाइम और डोलामाइट और मैंने बताया लाइम किस लिए यूज होता है जो आपकी और होती है उसमें जो इंप्योरिटी होती है उस इंप्योरिटी को रिमूव करने के लिए आपकी लाइमस्टोन यूज होता है सेकंड पॉइंट कि सर मैग्नीज किस लिए यूज होता है मैग्नीज यूज होता है आपका जो ओर होती है उसमें से आपका किस चीज के लिए आपका स्टील जब बन जाती है तो मैग्नीज उस स्टील को हार्ड करने के लिए यूज होती है किस करने के लिए हार्ड करने के लिए ओके okay, लाइमस्टोन यहां पर गंगपुर है जो आपका और पाराघाट एरिया उड़ीसा का वहां से आपको मिलती है रेल एंड रोड रिंग्स कहाँ से जो कलकत्ता है वो आपका 200 किलोमीटर है और कलकत्ता असनसोल वाला जो एरिया है वहां से और यहां पर आपको चीप लेबर भी प्रोवाइड हो जाती है सराउंडिंग नियर एरिया में क्योंकि आपको पता है वेस्ट बंगाल बिहार ये सराउंडिंग एरिया आ जाते हैं यहाँ से आपको चीप लेबर भी प्रोवाइड हो जाती है ओके okay, तो करंटली इट प्रोड्यूस मोर देन फोर लैक टन्स ऑफ पिग आयरन एंड थ्री पॉइंट फाइव टन ऑफ क्रूड स्टील और वहीं पर थ्री पॉइंट ऑफ सेलेबल स्टील ये इतना प्रोड्यूस करती है कौन आपकी इसको हमने लोकेशन भी देख ली यहां पर ये तीनों है असनसोल और कलकत्ता रेलवे नेटवर्क कनेक्ट करता है सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा दामोदर रिवर है जहां से वाटर की सप्लाई होती है कोल आपका झरिया माइन से यहां पर मिलता है वहीं पर हम बात करें विश्वेश्वरिया आपका विश्वरिया विश्वेश्वरिया जो विश्वेश्वरिया स्टील आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ये आपकी मैसूर स्टील कंपनी के नाम से स्टार्ट हुई थी 1923 में जो विश्वेश्वरिया आपकी है ये 1923 में स्टार्ट हुई मैसूर में ओके कहां पर है ये सर आपकी भद्रावती जो रिवर है उसके बैंक्स पर सुचटेड है विश्वेश्वरिया जो कि सिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में कर्नाटका का जो सिमोगा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर है ठीक है क्लियर है दिस प्लांट इज ब्रॉट अंडर द स्टेट कंट्रोल दैट जो आपकी गवर्नमेंट थी उसके कंट्रोल में कब आ गया 1960 में और इसका नाम रख दिया विश्वेश्वरिया पहले इसका नाम क्या था माइसूर स्टील कंपनी पहले क्या था माइसूर स्टील कंपनी और 1962 में जब गवर्नमेंट के कंट्रोल में आई तो विश्वेश्वरिया कर दिया क्यों क्योंकि एक फेमस इंजीनियर थे उनके नाम पर इसका स्टील इंडस्ट्री का नेम रख दिया ओके okay, अब अगर मैं बात करूं क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसके पास कि इसी एरिया में ये क्यों लगी अगर मैं बात करूं देखिए एक तो भद्रावती रिवर जो यहां पर पावर है वाटर है वो कहां से सप्लाई हो रही है भद्रावती रिवर से सप्लाई हो रही है भद्रावती रिवर की जो वैली है वो थर्टीन किलोमीटर वाइड है जिसके लिए इनफ लैंड है कि वहां पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लग सके दूसरा यहां पर जो हाई हेमेटाइट और है, वो आपका केम गुंडी माइन्स है जो कि आपकी कि चिकमंगलू डिस्ट्रिक्ट है वहां से 40 किलोमीटर इससे दूर है वहां से आयरन और मिल रही है कौन सी हेमेटाइट आयरन और वहीं पर अगर मैं बात करूं जो चारकोल है वो आपका पहले क्या होता था यहां पर जो फॉरेस्ट के वुड होते थे वुड से जो चारकोल होती थी उस चारकोल से यहां पर आपका बेसिकली मेल्टिंग की जाती थी स्मेल्टिंग की जाती थी बट क्या होने लगा अब आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो पावर के सोर्सेस थे पहले क्या होता था फॉरेस्ट और वुड ये यूज फॉरेस्ट की जो वुड होती थी उससे चारकोल जो होता था वो पावर जनरेशन के लिए यूज होता था बट क्या होने लगा देखिए अगर मैं बात करूँ ना जो ये चाइना है यहाँ पर जो स्टील इंडस्ट्री है ना ये एट आपका 1800 के के का एरिया वहीं पर अगर मैं बात करूं इंडिया के अंदर। इंडिया अंदर में बताया जाता है कि आपकी जो स्टील है वो अप्रोक्स फोर थाउजेंड ईयर पहले से ही बन रही है अगर आप अशोक पिलर देखें तो अशोक पिलर आज भी देखेंगे कोई रस्टिंग वस्टिंग कुछ भी नहीं है क्यों क्योंकि हमारे इंडिया में एशियन टाइम से इनका चीजें होती थी, थी उन्हीं वुड से होती थी और उन्हीं चारकोल से होती थी जो आपका 1923 में यहां पर भी वुड और चारकोल के कारण आपकी पावर जनरेट बट बाद में हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी से यहां पर पावर का जनरेशन होने लगा ठीक है हाइड्रो इलेक्ट्रिक से पावर का जनरेशन होने लगा अब बेसिकली देखिए यहां पर आपका भद्रावती रिवर है ये वाला एरिया ऊपर से जो तुंगभद्रा रिवर है यहां पर आपके जो डैम्स है वहां से हाइड्रो इलेक्ट्रिक आपकी वो हो जाती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल मिल जाता है वहीं पर अगर मैं बात करूं जो लाइम स्टोन है वो आपकी भूदी गुड़ा माइन्स है वो 25 किलोमीटर दूर है उससे मिल जाती है सिमोगा डिस्ट्रिक्ट आपका मैग्नीज प्रोवाइड करवाता है वहीं पर डोलामाइट एंड क्रोमाइट यहाँ पर आपका फोर्टी से फिफ्टी किलोमीटर के रेडियस पर मिल जाते हैं ठीक है ओके इट लाइज इन भीम सिमोगा लाइन एंड मेक रेलवे फैसिलिटेट यहां पर जो रेलवे की फैसिलिटेशन है या जो आपकी सर्विस है वो भीम सिमोगा जो लाइन्स है उस वाले एरिया में ये रेलवे नेटवर्क पड़ता है और आपकी कौन सी बढ़ती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कौन सी विश्वेश्वरिया जो आयरन स्टील इंडस्ट्री है और कौन सी भद्रावती रिवर से यहाँ से वाटर प्रोड्यूस होता है और आपका जो केमू केमूमगुंडा माइंस है यहाँ से आपका हेमेटाइट और मिलता है और यहाँ पर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है उससे आपकी एनर्जी मिलती है क्लियर है अब वहीं पर अगर मैं लोकेशन के बारे में बात करूँ आपसे कि जो आपका विश्वेश्वरिया है ठीक है विश्वेश्वरिया बेसिकली कर्नाटका में है इस वाले मैप में शो नहीं हो रही है जस्ट गिव मी वन मिनट यहां पर आप देख लीजिए विश्वेश्वरिया इधर की तरफ आपका कर्नाटका में मिल जाएगा ओके कर्नाटका में मिल जाएगा विश्वेश्वरिया अब वहीं पर हम बात करें विश्वेश्वरिया हो गई आपकी आपकी इसको हो गई और टिस्को हो गई वहीं पर अब क्या हुआ देखिए क्या हुई ये चीज़ें तो हमने बात की कि ये हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज पहले से ही थी इनका नाम चेंज कर दिया गया कोई कुल्टी कोई हीरापुर बानपुर ये पहले से ही थी बट क्या हुआ जब हमारा सेकेंड फाइव ईयर प्लान आया जब सेकेंड फाइव ईयर प्लान आया हमारा कौन सा प्लान आया सेकंड फाइव ईयर प्लान आया उस सेकंड फाइव ईयर प्लान में क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट थी जो सेकंड फाइव ईयर उन्होंने क्या हुआ फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान दिया फिर आया मालमोनिस मॉडल और जब मालमोनिस मॉडल आया इसमें आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में बात की इंडस्ट्रीज़ के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर ध्यान दिया तो उन्होंने बात की कि जो हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ है हम इनको सेटअप करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करेंगे और उसके बाद उन्होंने इसको प्रोडक्शन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर बनाया और उसके बाद तीन बनाई एक तो भिलाई बनाई एक राउरकेला और एक दुर्गपुर यहां पर तीन स्टील प्लांट की फॉर्मेशन की कौन कौन से आपका एक तो बनाया भिलाई एक राउरकेला और दुर्गपुर यहां पर तीन आपके स्टील प्लांट बनाए आफ्टर किसके आफ्टर द सेकेंड फाइव ईयर प्लान के बाद और बोला गया कि इनकी कैपेसिटी ईच प्लांट की टेन लाख टन स्टील को प्रोड्यूस करनी है और थर्ड फाइव ईयर प्लान में उसके बाद आपका बोकारो एक आपका चौथा स्टील प्लांट को लेके आया गया पहले भिलाई राउरकेला और दुर्गपुर ये सेकंड फाइव ईयर प्लान के बाद लेके आए और उसके बाद बोकारो ये आपका तीसरे फाइव ईयर प्लान के बाद एक नया स्टील इंडस्ट्रीज की सेटअप हुई उसके बाद हम बात करते हैं भिलाई जो भिलाई थी वो आपकी सेकंड किसके बाद अगर बेसिकली आप देखेंगे भिलाई यहां पर देखिए सेकंड जो फाइव ईयर प्लान था उसके बाद आपका भिलाई का सेटअप करने की बात सोची गई और ये जो भिलाई स्टील प्लांट है ये दुर्ग डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में वहां पर आपका स्टार्ट किया और आपको पता है आपका सेकंड फाइव ईयर प्लान कब से था 1956 से तो 1957 में आपको टेक्निकली एंड फाइनेंशियल सपोर्ट करके किसने जब यूएसएसआर सोवियत यूनियन था था कौन सोवियत यूनियन यूएसएसआर हुआ करता था 1991 से पहले उनके सपोर्ट से हमने लगाया भिलाई स्टील प्लांट कहां पे लगाया भिलाई स्टील प्लांट सर दुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में और उसके बाद इसकी जो कैपेसिटी थी वो 10 लाख टन थी और आज के प्रेजेंट टाइम में इसकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज करके फिफ्टी टू टन कर दी गई है कितनी फिफ्टी टू टन ओके ठीक है अब वहीं पर बात करते हैं हम आपका दुर्ग दुर्ग हैपन्स टू अ बैकवर्ड एरिया बेसिकली जो दुर्ग था ना वो बहुत बैकवर्ड एरिया था अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ का तो इस स्टील प्लांट का लगाने का ये भी कारण था कि वहां पर रिसोर्सेज आएंगे वहां पर डेवलपमेंट होगा वहां पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ताकि जो दु, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ की वहां पर डेवलपमेंट हो सके लोगों का भी दुर्ग हैपन्स टू अ बैकवर्ड एरिया द पर्पज टू सेटिंग अप दिस प्लांट टू ब्रिंग प्रोस्पेरिटी टू दिस एरिया एंड दिस प्लांट प्रोड्यूस Of iron 1996 से क्या क्या एडवांटेज थी जो आपका भिलाई स्टील प्लांट है जो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है आपका उसको इस एरिया में लगाने के पीछे क्या कारण था जो रिच हेमेटाइट आयरन एरिया था वो आपका रजहारा और दली दली रजहारा एरिया है वहां से जो साउथ ऑफ तो बिलाई है यहां से तो इसे आयरन और मिल रही थी वहीं पर जो आपका कोल है वो कोरबा माइन से मिल रही थी छत्तीसगढ़ से और वहीं पर आपका बोकारो और जो झरिया माइन है वो भी इसे कोल प्रोवाइड करवा रहे थे किसको बिलाई आयरन स्टील प्लांट को वहीं पर जो लाइम थी वो आपकी नंदिनी कौन सी नंदिनी माइन्स है जो आपकी 24 किलोमीटर है वहां से क्या मिल रही थी लाइमस्टोन मिल रही थी जो इंप्योरिटी रिमूव करने के लिए यूज हो रही थी और वहीं पर बंदहारा महाराष्ट्र और बालाघाट रेंज है वो इसको मैग्नीस सप्लाई कर रहे थे मैग्नीस किस चीज के लिए आपकी जो स्टील की क्वालिटी थी उसको हार्ड स्टील में कन्वर्ट करने के लिए किसमें हार्ड स्टील को कन्वर्ट करने के लिए और जो आपका कोरबा थर्मल पावर स्टेशन है वहां से इसको पावर जनरेट हो रही थी और जो नागपुर और कलकत्ता रेलवे नेटवर्क है कौन सा जो नागपुर और कलकत्ता रेलवे नेटवर्क है ये इसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा रहा था किसको भिलाई स्टील प्लांट को और जो डोलामाइट है वो बिलासपुर से आ रही थी चीप लेबर कहाँ से यहाँ पर सराउंडिंग एरिया है छत्तीसगढ़ हो गया झारखंड हो गया एम हो गया बिहार इस वाले एरिया से आपको चीप लेबर प्रोवाइड हो रही थी किसको बालाघाट बिलासपुर कोरबा यहां से इसे आयरन स्टील मैगनीज यहाँ से लाइम स्टोन ये सारी चीजें मिल पा रही थी हमेशा याद रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं क्या-क्या एक तो आपको मिलता है आयरन और पहला पॉइंट आयरन और दूसरा क्या है कोल तीसरा क्या है लाइमस्टोन और चौथा क्या है मैग्नीज ये इंपॉर्टेंट हैं जो इसके लिए यूज होते हैं और डोलामाइट भी यूज होता है किसमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन में ओके okay, ठीक है डोलोमाइट कहां से मिल रहा था डोलो बिलासपुर से मिल रहा था मैग्नीस कहाँ से मिल रहा था बालाघाट ट्रेन से मिल रहा था और एमपी से मिल रहा था आयरन और कहाँ से मिल रहा था दल्ली रजहारा हिल से यहाँ से मिल रहा था वहीं पर अगर मैं बात करूँ कोल की कोल इस वाले एरिया से मिल रहा था और हमने बात की कि आयरन आपको बेसिकली किन से इस वाले पार्ट से आपको आयरन मिल रहा था किसके लिए आपके बिलाई स्टील प्लांट के लिए वहीं पर हम बात करते हैं राउरकेला स्टील प्लांट जो राउरकेला स्टील प्लांट है ये बेसिकली सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा की वहां पर सुचेटेड है कहां पर सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा ये रहा आपका राउरकेला स्टील प्लांट कौन सा राहुल केला स्टील प्लांट सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में क्लियर है और ये आपका वेस्ट बंगाल देखे सेटअप विद द हेल्प ऑफ वेस्ट जर्मन फर्म जो आपकी जर्मनी थी बेसिकली जर्मनी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कौन से स्टील प्लांट में यूएसएसआर का सपोर्ट था कौन से स्टील प्लांट में जर्मनी का था बताइए यूएसएसआर का कौन से स्टील प्लांट को स करने के लिए सपोर्ट लिया गया सर जो भिलाई स्टील प्लांट था उसको एस, सेटअप करने के लिए यूएसएसआर ने सपोर्ट किया और जो सर जर्मनी था उसने राउर केला जो स्टील प्लांट है उसके लिए जर्मनी ने आपकी हेल्प की सेटअप करने के लिए और कब सेकंड फाइव ईयर प्लान में जब हमने डिस्कस किया था तब ये सेटअप होना स्टार्ट हो गया उसके बाद ये ऑपरेटिव नाइनटीन में हुआ 12.4 लाख फोर टन्स ऑफ क्रूड स्टील को प्रोड्यूस करता है 11.8 लाख टन ऑफ सेलेबल स्टील एंड 0.5 लाख टन्स ऑफ आयरन को ये प्रोड्यूस करता था कौन आपका राहुल केला स्टील प्लांट इसकी एडवांटेजेस क्या क्या थी देखिए यहां पर जो आयरन थी ना वो सुंदर सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से मिल रही थी बेसिकली वहीं पर जो कोल थी वो झरिया माइन से मिल रही थी इसे तलचर से मिल रही थी वहीं पर अगर मैं बात करूं हीराकुंड पावर प्रोजेक्ट जो आपका हीराकुंड पावर प्रोजेक्ट है वहां पर जो डैम है वहां से इसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी किसको राहुल को यहां पर अगर देखेंगे राहुल ठीक है और वहां पर आपका हीराकुंड डैम है उससे क्या मिल रहा था आपको हीराकुंड डैम आप यहां पर देख लीजिए सिर्फ 16 किलोमीटर दूर है 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 यहां से क्या मिल रही है? पावर मिल रही रही पावर देखिए फिगर थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कौन लार्जेस्ट है कौन आपका सबसे ज्यादा स्टील प्रोड्यूस करवाता है कौन कितनी प्रोड्यूस करता है क्योंकि कभी कभी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंडिया का कौन सा स्टील प्लांट है जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी ठीक है ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे किसी को भी कोई डाउट अब बात करते हैं आगे के लिए द प्लांट रिसीव मैगनीज ये ब्रज मदा जो ब्रज मदा जो आपका एरिया है वहां से मैग्नीस करता था उसके बाद भरदवार जो एरिया है वहाँ से डोलामाइट होता था पुमा पानी जो एरिया है वहाँ से लाइम होता था इन वाले एरिया से उड़ीसा से जो 200 इस राहुल किला से 220 किलोमीटर तक के एरिया से ये आपकी यहाँ से रॉ मेटेरियल प्रोवाइड हो रहा था इनको और जो रेलवे लाइन्स थी वो कलकत्ता और नागपुर की रेलवे लाइन्स कनेक्ट कर रही थी किसके लिए आपका राउर केला स्टील प्लांट के लिए और जो कलकत्ता का पोर्ट है वो आपका यहाँ पर मार्केट तक प्रोवाइड करवाने के लिए जो रॉ मेटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है उसे सप्लाई कर रहा था उसके बाद बात करते हैं दुर्गपुर किसके बारे में दुर्गपुर स्टील प्लांट के बारे में दुर्गपुर आपको पता है कहां पर है वेस्ट बंगाल में कहां पर है वेस्ट बंगाल में और ये आपका दिस प्लांट ऑफ द हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो कि दुर्गपुर में आपका कहां पर दूर पूर्व में सिचुएटेड है पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट क्या है इट वाज सेट अप इन 1959 विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड किंगडम तीन चीजें बताई हैं मैंने क्या बताई हैं तीन चीजें बताई हैं आइए फटाफट जल्दी-जल्दी से चीजों को कवर करते हैं अगर मैं बात करूं आइए देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया मुझे फटाफट बताइए कौन-कौन से स्टील प्लांट किसके सपोर्ट से हुए जर्मनी के सपोर्ट से कौन सा स्टील प्लांट बना फटाफट बताइए यूनाइटेड किंगडम के सपोर्ट से कौन सा स्टील प्लांट बना देखिए क्या था हम इंडिया पहले इतना डेवलप नहीं था कि खुद से सारी चीजें कर पाए हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत थी वो टेक्नोलॉजी हम दूसरी कंट्रीज से ले रहे थे हमारे पास फंडिंग की रिक्वायरमेंट थी फंडिंग भी हम दूसरी कंट्रीज से ले रहे थे ठीक है तो आप सबसे पहले बताइए जर्मनी की सपोर्ट से कौन सी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री यूनाइटेड किंगडम के सपोर्ट से कौन सी और यूएसएसआर के सपोर्ट से कौन सी सर सबसे पहले तो आता है आपका जर्मनी के सपोर्ट से जर्मनी की सपोर्ट से जो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज थी उसके बारे में अगर बात करें तो फटाफट बताइए कौन सी थी फटाफट बताइए जर्मनी की सपोर्ट से कौन सी थी राउर केला सर जर्मनी के सपोर्ट से थी बिल्कुल ठीक है बिल्कुल परफेक्ट है उसके बाद जो यूनाइटेड किंगडम थी उसने कौन से किसके सपोर्ट से थी यूनाइटेड United... दुर्गपुर जो दुर्गपुर है उससे क्या था दुर्गपुर किसके सपोर्ट से थी यूनाइटेड और यूएसएसआर सर यूएसएसआर थी बिलाई के सपोर्ट जो बिलाई है वो आपका यूएसएसआर के सपोर्ट से बना तो ये तीन आपके आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज थी ये आपको याद रखना है ठीक है ये तीनों चीजें याद रखनी है इंपॉर्टेंट है ओके यूनाइटेड किंगडम दुर्गपुर जर्मनी राउरकेला और यूएसएसआर बिलाई ओके okay, वहीं पर अगर मैं बात करूं आपको पता होना चाहिए अब फैक्टर्स क्या क्या थे इस एरिया पर जो ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हमने लगाई इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स थे इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले जो आपकी माइन से मयूर से मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में तो आयरन सप्लाइड हो रहा था इसे जो कोल था वो झरिया और रानीगंज माइन से आ रहा था क्यों क्योंकि आपका वेस्ट बंगाल में दुर्गपुर में है, तो ईजिली सप्लाई हो पा रहा था वहीं पर जो लाइम है वो आपका लाइम स्टोन बिर आपका कौन सा बिर मित्रपुर आपका एरिया है वहां से लाइमस्टोन हो रहा था और मैग्नीज जो था वो आपका केवंझर डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा की वहां से मैग्नीज हो रहा था और सुंदरगढ़ से आपको लाइमस्टोन यहां से भी प्रोवाइड हो पा रहा था किसके लिए आपकी दुर्गपुर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लिए अगर मैं बात करूं दुर्गपुर यहां से झरिया माइन्स हो गया आपका यहां से आपका रानीगंज हो गया क्या प्रोड्यूस हो रहा है कोल प्रोड्यूस हो रहा है वहीं पर अगर मैं बात करूं आपका ये वाला एरिया है यहां पर दामोदर रिवर है यह आपको पावर प्रोजेक्ट के उससे वाटर का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए या एनर्जी सप्लाई कर रही थी डो डोलाइट कहां पर है आपका बिर मित्रापुर जो एरिया है वहाँ से आपका डोलामाइट प्रोड्यूस हो रहा था हाइड्रो इलेक्ट्रिक कहाँ से दामोदर रिवर वैली कॉपरेशन है वहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूज हो रहा था और जो प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल था दुर्गपुर बैराज में दामोदर रिवर में वो बेसिकली इसी के यूज में ले रहे थे किसके आपके दुर्गपुर में और जो कलकत्ता असनसोल रेलवे लाइन है वो आपका बेसिकली इंडिया के मेजर पार्ट्स को कवर करती है जिसके थ्रू हम इसे मार्केट में सप्लाई कर पा रहे थे किसको जो यहाँ से प्रोड्यूस हो रही थी और चीप लेबर नियरेस्ट मार्केट में अवेलेबल थी वहीं पर अगर मैं बात करूँ ये रहा आपका दुर्गपुर वेस्ट बंगाल में ये रहा बर्नपुर ये रहा इसको ये रहा बुकारो ये रहा आपका जमशेदपुर ये रहा राउरकेला ये रहा बिलाई जो बिलाई था उड़ीसा में ये रहा आपका यहाँ पर सेलम है एक ये भी आपका एक इंडस्ट्रियल स्टील प्लांट है सेलम ठीक है कहां पर है सेलम सेलम तमिलनाडु में है यह पॉइंट याद रखना उसके बाद सेवंथ एंड लास्ट स्टील प्लांट है बोकारो बोकारो स्टील प्लांट जो बोकारो स्टील प्लांट है यह न्यू पब्लिक सेक्टर कंपनी थी कहां पर बोकारो यह 1964 में एस्टेब्लिश हुई थी क्यों मैंने बताया था आफ्टर थर्ड फाइव ईयर प्लान आपकी बोकारो स्टील प्लांट आपका सेटअप किया गया था किसके सपोर्ट से सर यूएसएसआर के सपोर्ट से तो याद रखना जो बोकारो भी हुआ बोकारो वो यूएसएसआर के सपोर्ट से हुआ ठीक है ऑन और... बोकारो दामोदर रिवर अब यहां पर आप देखिए जो यहां पर बोकारो स्टील प्लांट है इसे कहां से? दामोदर से वाटर मिल रहा है झारखंड है? में वहां पर ये आपका बेसिकली सेटल्ड है सेकेंड प्लांट आपका सोवियट के हेल्प से बनाया गया नाइनटीन में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया और उसके बाद टेन लेख टन जो कैपेसिटी थी उससे इंक्रीज करके 40 लाख टन कैपेसिटी कर दी गई बोकारो स्टील प्लांट की कहां पर सिचुएटेड है बोकारो स्टील प्लांट सर झारखंड में सिचुएटेड है अगर आप यहां पर देखेंगे यहां पर ये रहा झारखंड और झारखंड में क्या है बोकारो स्टील प्लांट है और ये रहा छत्तीसगढ़ और उसके बाद नीचे स्टार्ट हो जाता है उड़ीसा ठीक है ये पॉइंट आपको समझना है देयर आर प्लांट टू रेज द कैपेसिटी अब बात करी जा रही है कि इसकी जो कैपेसिटी है वो 100 मिलियन टन मैट्रिक टन तक आपका लैक टन्स तक आपकी इलेक्ट ये प्रोड्यूस किया जाए और बेसिकली लार्जेस्ट आयरन एंड स्टील सेंटर बना दिया जाए इंडिया का किसको सर बोकारो को बात की जा रही है कि जो बोकारो है इसकी जो कैपेसिटी है वो आपकी हंड्रेड लैक टन्स प्रोड्यूस कर दिया जाए यानी कि टेन ट्रिक टन ठीक है मिलियन टन और उसके बाद बेसिकली आपका इतना मिलियन टन क्रूड स्टोर क्रूड स्टील इतना मिलियन टन सेलेबल स्टील और इतना मिलियन टन पिग स्टील आपका ये प्रोड्यूस करता है दिस इज अचीवमेंट हैज बीन मेड क्यों क्यों इसने आपके इस एरिया में जो आयरन ओर था वो तो जो माइन्स है वहां से उड़ीसा से इसे आयरन ओर मिलती है कहां से किबुरा माइन्स है वहां से आयरन ओर मिलती है किसको आपके बोकारो स्टील प्लांट को जो कोल है वो जरिया माइन से मिलता है इसको कोल कहां से मिलता है जरिया माइन से इसे कोल मिलता है वहीं पर अगर मैं बात करूं जो लाइम है वो पालामाऊ जो एरिया है वहां से झारखंड से लाइमस्टोन मिलता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक इसे दामोदर रिवर से मिलती है जो आपका इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है वहीं पर अगर मैं बात करूं जो कलकत्ता है वो पोर्ट 300 किलोमीटर दूर है बोकारो स्टील प्लांट से और यहां से उसे पोर्ट के थ्रू मार्केट में आपका सेल किया जाता है अब मैंने एक बार पहले आपको बताया था कि जो जापान है हम जापान में जो आयरन एंड स्टील को ट्रांसफर करते हैं या वहां पर जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वो कौन से प्लांट से ट्रांसपोर्ट करते हैं ये पॉइंट बता दीजिए ठीक है ओके बेसिकली धीरे धीरे करके इनका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो वो इन पे भी डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा इनका भी प्राइवेटाइजेशन होगा ओके okay, तो फटाफट मुझे जल्दी से ये बता दीजिए जो मैंने आपसे पूछा कि जो जापान है वहां पर जो आयरन एंड स्टील का जो एक्सपोर्ट होता था जो ट्रेड होता था वो कौन से पोर्ट से होता था ओके okay, फटाफट अब हम बात करते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं जो ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज फेस कर रही है सबसे इंपॉर्टेंट है कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट है कैपिटल आप मुझे उसे स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बताइए। मैंने आपको टोटल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज पढ़ाई। सबसे पहले मैंने एक तो पढ़ाया टिस्को एक मैंने पढ़ाया इसको एक मैंने पढ़ाया विश्वेश्वर ठीक है उसके बाद मैंने आपको चार पढ़ाई ये मेरा आपका बिफोर इंडिपेंडेंस से पहले वाला था उसके बाद क्या हुआ हमारा सेकंड फाइव ईयर प्लान आया सेकंड फाइव ईयर प्लान में तीन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आई उसके बाद आया आपका फोर्थ फाइव ईयर प्लान वो थर्ड फाइव ईयर प्लान और उसमें एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आई कौन सी आई इसमें तो आई बोकारो ठीक है इसमें कौन सी आई बिलाई और कौन सी आई सर दुर्गपुर ठीक है और कौन सी आई बिलाई दुर्गपुर और राउरकेला केला ये तीन आई आपकी सेकंड फाइव ईयर प्लान में उसके बाद जो बुकारो है इसे वर्ल्ड का नहीं इंडिया का लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग प्लांट बनाने की बात की जा रही है कि हंड्रेड लैख टन आपकी स्टील प्रोड्यूस की जाए हंड्रेड लैख टन स्टील प्रोड्यूस की जाए क्लियर है ये हमारे टोटल सेवन स्टील प्लांट है अब हम बात करते हैं क्या क्या इश्यूज आए कैपिटल सर कैपिटल इंटेंसिव है बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत है बहुत बड़े बड़े प्लांट लगाने होंगे बहुत बड़ी बड़ी मशीन लगानी होगी अलग अलग प्रोडक्शन करना होगा तो सबसे बड़ा इफेक्ट आया कैपिटल का कि जो कैपिटल है उसके कारण आपके जो हमारी प्रॉब्लम है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को वो फेस कर रही है ठीक है वहीं पर अगर मैं बात करूं लैक ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं है आपकी अगर जो

एक तरीके से मॉनिटर कर सके कौन सेल बनाई गई और सेल इन स्टील इंडस्ट्रीज के ऊपर मॉनिटर करने के लिए 1973 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई क्लियर है? ठीक है तो सेल तो इन इन एफिशियंस पब्लिक सेक्टर जो पब्लिक सेक्टर है वो इतने नहीं है है बेसिकली यही तो रीजन है कि अभी जो मोदी गवर्नमेंट है बेसिकली बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट है इनका कहना है कि जो हम पीएसयू है ना इनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं इनमें डिस इनवेस्टमेंट कर रहे हैं जो शेयर है वो या तो हंड्रेड परसेंट डिस इनवेस्टमेंट कर देंगे हंड्रेड परसेंट प्राइवेटाइज कर देंगे या उसको ट्वेंटी फाइव परसेंट शेयर के बाद सेवेंटी फाइव परसेंट शेयर है उन्हें मार्केट में सेल कर देंगे प्राइवेट कर देंगे क्यों क्योंकि उनकी एफिशिएंसी इतनी ज्यादा नहीं है वहीं पर लो पोटेंशियल यूटिलाइजेशन हमारा जो इसका पोटेंशियल है ना जो हम यूज कर सकते हैं वो प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहे हैं किसका इन आयरन स्टील इंडस्ट्रीज में जो पोटेंशियल है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है उसके बाद हैवी डिमांड सर डिमांड बहुत ज्यादा है आयरन एंड स्टील आप कुछ भी चीज़ देख लीजिए वहां पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का जो आपके रॉ मेट आपके प्रोडक्ट है वो यूज़ हो रहे हैं हर एक जगह में आयरन चाहिए स्टील चाहिए तो डिमांड बहुत ज्यादा है और इतनी हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं शॉर्टेज ऑफ मेटलॉजिकल कोल हमारी जो मेटलॉजिकल कोल है इसकी शॉर्टेज है हम पे इतना कोल भी नहीं है हमें मार्केट से या तो एक्सपोर्ट करना पड़ता है हमारे पास इतनी पोटेंशियल नहीं है इंफीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब हमारे पास इतनी फाइन क्वालिटी के आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज नहीं है जो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सके जो और कंट्रीज हैं उनका जो प्रोडक्शन है वो बहुत बेटर है कंपेयर टू हमारे से तो ये बहुत कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा इफेक्ट किए हैं जिनके कारण हमारी जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है वो इतनी ज्यादा ग्रो नहीं कर पाई है जितनी उसे ग्रो करनी चाहिए थी एंड दीज आर द एट फैक्टर्स जिसके पीछे आपकी जो ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है ये ग्रो नहीं कर पाई थी क्लियर है हमने बात कर ली मुझे एक बार फटाफट जल्दी से आप बता दोगे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री फटाफट एक बार देन हम इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं फटाफट बताइए नंबर वन उसके बाद नंबर टू नंबर थ्री नंबर फोर नंबर फाइव एन सिक्स एन सेवन एक एक करके बताइए ये आपकी फोर फाइव सिक्स तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जिसमें से ऊपर की टॉप थ्री किसके बाद आई सेकंड फाइव ईयर प्लान के बाद और लास्ट वाली आई आपकी थर्ड फाइव ईयर प्लान के बाद कौन सी सर सबसे पहले टिस्को ओल्डेस्ट है उसके बाद इसको टिस्को इसको ओके okay, और उसके बाद विश्वेश्वरिया उसके बाद विश्वेश्वरिया उसके बाद अगर मैं बात करूं नंबर फोर्थ की आपका भिलाई उसके बाद अगर मैं बात करूं राहुल केला ठीक है उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर आपकी बिलाई राहुल केला उसके बाद आपकी दुर्ग दुर्गपुर ठीक है उसके बाद आपकी लास्ट है बोकारो ये आपकी टोटल सेवन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है जो हमने पढ़ी है अभी तक क्लियर है किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट आज की क्लास में जो हमने चीजें पढ़ी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी इश्यू क्लियर है गाइस चीज़ों को लाइक like शेयर करते रहा करो चीज़ों को कोई भी अगर इशू हो ठीक है तो गाइज बेसिकली अगर मैं आपको फिर अगेन एंड अगेन चीजों को समझाने की कोशिश करता हूँ दिस इज सिंपली द कोड कैपिटल ए एम टेन यूज कीजिए आपको टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा और आपको टेन परसेंट डिस्काउंट के साथ साथ आपको यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी सारे सब्सक्रिप्शन के अंदर जो एडवांटेजेस है लाइव इंटरेक्शन मिलेगा आपको फैकल्टी से डायरेक्ट मैं आपको एज अ गाइड एज अ मेंटर आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करूंगा सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल होंगी ठीक है क्लियर है गाइस सो सिंपली आपको ए एम टेन कोड यूज करना है टेन परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल है जोग्राफी अंडर स्कोर फाइव यहां पर आपको पीडीएफ नोटिफिकेशन एंड अपडेट मिल जाएंगी जोग्रफी अंडर स्कोर फाइव पर ठीक है गाइस ओके सो थैंक यू बाय टेक केयर और बेसिकली अभी मैं आपको बता दूंगा नाइन पी हमारी न्यूक्लियर पावर प्लांट से इंपॉर्टेंट उनके ऊपर क्लास होगी ठीक है गाइस ओके